आज बार एसोसिएशन राजपुरा के चुनाव राजपुरा के बार हाल में रखे गए, जिसमें प्रधान पद के लिए दो उम्मीदवार बलविंदर सिंह चहल व रिपु दमन सेतिया में काफी कड़ा मुकाबला देखने को मिला। वहीं उप प्रधान के लिए दो उम्मीदवार रमनजोत सिंह व रवि कुमार, सेक्रेटरी पद के लिए पूजा ओबराय व विकास सम्मी, ज्वाइंट सेक्रेटरी पद के लिए हर्ष कुमार व सतीश शर्मा ने अपने नामांकन पत्र भरे थे। वहीं कैशियर पद के लिए एक ही नामांकन एडवोकेट मनीष संधु द्वारा भरे जाने पर वह पहले ही विजयी घोषित किए जा चुके थे। वहीं आज सुबह से ही बार में चुनावों की कार्रवाई शुरू होते ही चहल पहल नजर आनी शुरू हो गई थी और पुलिस प्रशासन का भी पुख्ता प्रबंध यहां देखने को मिला। शाम 4:30 बजे वोटिंग समाप्त होते ही वोटों की गिनती का काम शुरू कर दिया गया था। चुनावों के नतीजे आते आते शाम के लगभग 7 बज गए और चुनाव अधिकारी एडवोकेट नरेश राणा की तरफ से चुनावों के परिणामों की घोषणा की गई। आपको यहां विस्तार से बता दें कि कुल वोटे थी 258 और पोल हुई 239, जिसमें से प्रधान पद के लिए खड़े बलविंदर चहल को पड़ी 138 वोटें और रिपु दमन सेतिया को पड़ी 100 वोटें, जिस पर बलविंदर सिंह चहल रिपु दमन सेतिया से 38 वोटों से विजयी रहकर बार एसोसिएशन राजपुरा के नए प्रधान नियुक्त किए गए। वहीं उप प्रधान के लिए रमनजोत 120 वोटें लेकर उप प्रधान बने। वहीं रवि कुमार को 118 वोटें पड़ी। वहीं सेक्रेटरी पद के लिए 122 वोटें प्राप्त कर विकास सम्मी विजयी रहे। वहीं पूजा ओबराय को 111 वोटें ही प्राप्त हुई। वहीं ज्वाइंट सेक्रेटरी पद के लिए 188 वोटें प्राप्त कर सतीश शर्मा ज्वाइंट सेक्रेटरी पद के लिए विजयी रहे। वहीं हर्ष कुमार को 50 वोटें ही प्राप्त हुई। यहां आपको बता दें कि कैशियर पद के लिए पहले ही मनीष संधु के सामने कोई उम्मीदवार ना होने पर मनीष संधु का कैशियर पद पर कब्जा पहले ही हो गया था। जैसे ही बार एसोसिएशन राजपुरा के नतीजे सामने आए, वैसे ही बार एसोसिएशन में खुशी की लहर दौड़ पड़ी और न्यूज 89 पंजाब द्वारा बार एसोसिएशन के नए चुने गए प्रधान बलविंदर चहल से विशेष तौर पर बात की गई। आइए सुनाते हैं इस मौके पर उन्होंने क्या कहा। राजपुरा बार एसोसिएशन के चुनाव जेड़े हैं मुकम्मल हो चुके हैं। बलविंदर सिंह चहल जेड़े साढ़े नाल इस टाइम मौजूद है, विजेता है। आप इन्हें गल करें बलविंदर सिंह जी, तुहानू बहुत बहुत मुबारक। न्यूज 89 की कहना चाहोगे अपनी इतिहासिक जीत जी हुई? मेरी आ जी जित हुई है, मेरी कल की जित नहीं, मेरी सारी टीम मेरे नाल खड़ी है, इन्हों का सहयोग नाल जित है। जे भी कोई साढ़े वकील भाई जारे परेशानी होंगी है, कोई भी मुश्किल आती है, अभी उन्होंने एप्रोप्रिएट जो ऑफिस होगा, दफ्तर होगा, हाई कोर्ट हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, जिथे मर्जी जाना पवे अभी उन्होंने ही जावे। मैं टीम जीती है सारी नूं बधाईयां दिंदा, बलविंदर सिंह चहल ते उन्हां जिहड़ी टीम जीती है, ते सारे वकील साहिबान नूं दा धन्नवाद करदा जिन्हां ने अमन मान नाल चोन सिरे चढ़ाई। अज साडी बार दा इलैक्शन सीगा राजपुरा बार एसोसिएशन दा, उहदे च मैं नरेश राणा, मैनू आरओ नियुक्त किया गया सीगा इलैक्शन कंडक्ट करन वास्ते। साडी टोटल वोट सीगी 258, उहदे च 239 जिहड़ी है उह पोल होईआं। किन्ने कैंडीडेट? उहदे च असीं 5 पोस्टां वास्ते नोमीनेशन भराए सीगे। जिहड़ी कैशियर दी पोस्ट आ यूनानीमसली डिसाइड हो गई सीगी। 4 पोस्टां दा अज उह सीगा इलैक्शन सीगा। कैशियर मनी संधु है, मैं मतलब पूरा नाम थोड़ा जा मेरे बाकी, बाकी अज प्रधानगी वास्ते जो इलैक्शन होया बलविंदर सिंह चहल नूं पईआं 138 वोटां, रिपु दमन सिंह सेतिया नूं पईआं 100, एक वोट कैंसल हुई। सैकटरी वास्ते जो इलैक्शन हुई है वो वास्ते पईआं विकास सम्मी नूं 122, पूजा ओबराय नूं 111, 6 वोटां कैंसल हुई। ठीक है जी। वाइस प्रेजिडेंट रवि कुमार नूं पईआं 118, रमनजोत सिंह नूं पईआं 120, एक वोट कैंसल हुई है, रमनजोत सिंह जेतू डिक्लेयर किया गया।
राजपुरा से कैमरामैन ललित कुमार के साथ मीडिया पर्सन संदीप चौधरी, न्यूज 89 पंजाब। दौर में जहां अपने बिजनेस के ऐड के साधन कम हो गए हैं, वहीं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए न्यूज 89 पंजाब आपके लिए लाया है सोशल मीडिया पर सबसे कम कीमत पर ऐड। जी हां, आज ही न्यूज 89 पंजाब न्यूज चैनल पर सिर्फ 2500 रुपए महीने पर अपनी ऐड बुक करवाएं और अपने बिजनेस को बढ़ाए। आज ही संपर्क करें 9317500009 या 8115000006 पर। पेप्सू टाउनशिप डेवलपमेंट बोर्ड पंजाब के वाइस चेयरमैन श्री जगदीश कुमार जग्गा जी दे नाल जुड़न लई 9991079000 नंबर ते मिस कॉल करो जा एना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मा ते फॉलो करो।